ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा मेरी आवाज आ रही। चलिए जी, कल डिस्कशन स्टार्टिंग पर वैसे बारह हजार चला कंप्लीट करा सकते हैं। क्या बात हो रही थी आपके साथ, देखने को हम कुछ मेथड्स पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पढ़े थे शुरू कर हेडिंग से, देखते क्या करना चाह रहे थे सर। अगर कॉस मिक्स हो तो उसे नहीं, फिक्स और वेरिएबल में सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक तरीका क्या डिसाइड हुआ, उसमें क्या क्या किया, मैं एक समरी सुना नहीं, उसमें क्या स्टेप्स करनी है। सबसे पहले बड़ा हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट हुआ, ऐसे ही हुआ। उसके बाद मैंने डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस मीन्स यूनिट्स का भी डिफरेंस आ गया 300 और बीस का भी डिफरेंस आ गया 300,000। उसकी फिर एक डिस्कशन हुई कि क्या ये 300,000 जो डिफरेंस आ रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 300,000 जो ऊपर लिखा हुआ, ये तो 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है 300,000। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंस जो सर्कल में है। तो होपफुली ये डिस्कशन से फिर फाइनल हुआ कि ये जो डिफरेंस 300,000 है, ये 100% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिफरेंशियल 300 यूनिट्स। सही मेरी बात, सब एग्री है यहाँ पर। फिर यहाँ से अगर हमें पता चल जाए कि 300 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 300,000 है, तो फिर हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ गए। जैसे कि हमने डिफरेंस इन कॉस्ट मीन्स 3 लाख डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स विच इज 300, तो हमारे पास एक आंसर आ गया 1,000 पर यूनिट। और क्योंकि 3 लाख है ही वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सब क्लियर हो गए इस बात से, कोई कंफ्यूजन किसी की यहाँ पर। देन सर, अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेटा पता चल जाए तो बाकी सारे इश्यूज फिर रिजॉल्व कैसे हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप जरा सुना। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो तरीका ही होता है आपने पहले देखना है क्या एक एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट हुआ है 400 वाला और दूसरा एक एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट हुआ है 100 वाला, तो अब इस 1,000 पर यूनिट को यूज करके हम फिक्स कॉस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। उसका तरीका ही होता है कि आपने जो लेवल सेलेक्ट किए हैं उनमें से कोई भी एक लेवल पिक करना है, हाइएस्ट भी उठाया जा सकता है और लोएस्ट भी उठाया जा सकता है। दोनों केसेस में इंशाल्लाह भी हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं दोनों में वर्किंग करके लेना जरा दिखाता हूँ। कर मैं क्या रहा हूँ, जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो सेलेक्टेड लेवल्स हैं उनमें से हाईएस्ट भी उठाया जा सकता है और लोएस्ट भी उठाया जा सकता है और हम फिक्स कॉस्ट के टोटल तक पहुंच सकते हैं। कैसे, मैं एक एक करके दिखाता हूँ, आप लोग गौर से मेरे वर्ड सुनिएगा। 400 यूनिट्स जब बने, अपना पिछला भी डाटा देखिएगा, इन द मंथ ऑफ अप्रैल ढूंढने जरा गया तो आप पीछे लिखा हूँ या मैंने स्टार्ट हुआ, ये एक मंथली डाटा भी था, सही कह रहा हूँ, इस महीने में ये बने सच बता रहे हैं। तो 400 यूनिट्स जब अप्रैल के मंथ में बने तो इनको बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है, 6 लाख। दोबारा बोर्ड को देखो, अब क्या हमें एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई कितनी, हमें एक यूनिट का बनाने की वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई है। क्या हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हर एक्टिविटी लेवल पे सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर 400 यूनिट्स बने तो क्या मैं इन 400 यूनिट्स की मल्टीप्लाई 1,000 करके वेरिएबल कॉस्ट टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट इज 6 लाख टोटल कॉस्ट। ये 400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, अब हमें एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पता चल चुकी है 1,000। 400 यूनिट्स अगर बने थे अप्रैल में तो 400 इंटू 1,000 पर यूनिट, तो गेट व्हाट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स, फॉलो करें मेरी बात। अब 6 लाख का टोटल कॉस्ट,
और 4 लाख है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स। अगर मैं इन दोनों को मींस 4 लाख और 6 लाख में से माइनस कर दूं तो फिर हमारे पास क्या बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, 2 लाख फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। कुछ क्लियर बस, लेकिन एक मिनट इससे पहले आप देखें मैंने भी क्या बात की थी, हम ये वर्किंग हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल में भी कर सकते हैं और लोएस्ट में भी, आंसर इंशाल्लाह सेम आएगा क्योंकि हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। तो हाउ टू डू इट प्लीज वो भी देखें पहले, अपने पिछले डेटा पे जाए, मंथ भी कोई बीच में एग्जाम में लगाया था, 100 यूनिट किस महीने में बने थे, कितनी कॉस्ट इनकर हुई थी, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 100 यूनिट्स। ठीक है सर, अब अगर 100 यूनिट्स बने थे और एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 1000 है तो वो 1000 कॉन्स्टेंट रहना पर यूनिट, लेकिन यूनिट्स के साथ वेरी करेगा। तो 100 को अगर मैं उस 1000 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट इज 1 लाख टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, एंड फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट। तो क्या अगर 100 यूनिट्स बने थे या 400 यूनिट्स बने, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही रहना, तभी सेम ही रहना था, क्लियर होगी बात में, आप नोट करें। दरमियान में पेजेस नीचे है, कौन बैठा या दैसा बैठे, कोई नहीं आगे बैठे, आगे कहीं बैठा, ये अगर लिखा है तो बैठे इधर बता दीजिएगा, ऑनलाइन स्टोर से प्लीज। डेफिनेटली सर, मैंने आपके सामने वर्किंग किया दोनों तरीकों से, दोनों तरीकों मींस हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे भी और लोएस्ट पे भी, लेकिन डेफिनेटली इट इज टाइम वेस्टिंग, फिलहाल हम कर लिया करेंगे, लेकिन किसी भी एक लेवल पे अगर आप वर्किंग कर लेंगे और सही कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो दोनों लेवल्स पे करना जरूरी नहीं। ये नोटेड देन सर, एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना, जरा लिख चुके मैंने, जरा थोड़ा सा ऊपर जाना है डेटा था, ये ओरिजिनल डेटा जरा देखें, मैंने आपके सामने मंथली डेटा ज्यूम किया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताई थी। मुझे आपने ये बताना है कि ये जो 1000 है इसको मैंने पर यूनिट क्यों कहा, बिल्कुल सिंपल सी बात करने का कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। 1000 आंसर आया ना, मैंने पर यूनिट क्यों बोला इसे, क्योंकि मैंने वर्किंग की है, मैंने 3 लाख रुपया
और मैंने डिवाइड बाय 300 यूनिट्स किया, तो अगर मैं यूनिट से डिवाइड करूंगा तो आंसर पर यूनिट, अगर मैं केजी से डिवाइड करता हूँ तो आर से डिवाइड करता हूँ, मेरा ख्याल मेरे कुछ भी ऐसी बात नहीं, हमने यूनिट से डिवाइड किया तो आंसर पर यूनिट आया। 3 लाख रुपया अगर 300 यूनिट की कॉस्ट है, सही कह रहा हूँ, 3 लाख रुपया अगर 300 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है तो हर यूनिट की कॉस्ट 1000, हर यूनिट पर 1 यूनिट इसका मतलब होता है, सही। इसी तरह एक डिसीजन थोड़ा फिर यहां लेना, हमने एक फिक्स कॉस्ट निकाल ली 2 लाख, अब ये पर क्या है, क्या ये भी पर यूनिट आ गई, ये टोटल है, ये पर यूनिट नहीं, लेकिन इस टोटल का मीनिंग क्या है, 400 था एक्टिविटी लेवल इन अप्रैल, याद है मंथ्स, तो अप्रैल के महीने में 6 लाख रुपया टोटल कॉस्ट थी। सेंटेंस मेरे वॉस सुनने का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ठीक है मैम, अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स बने तो 6 लाख रुपया कॉस्ट आई, अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपया थी, तो ये 2 लाख रुपया क्या अप्रैल के महीने की फिक्स कॉस्ट है, अप्रैल के महीने की टोटल, अप्रैल के महीने की टोटल कॉस्ट 6 लाख है, अप्रैल के महीने में जो यूनिट्स बने उनकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख है, क्योंकि अप्रैल के महीने में जो फिक्स कॉस्ट का टोटल था वो 2 लाख है, और क्या अगर ये अप्रैल के महीने की टोटल फिक्स कॉस्ट है तो हर महीने की फिक्स कॉस्ट यही होगी, क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम है, तो अगर किसी एक महीने में 2 लाख रुपए है तो फिर हर महीने में फिक्स कॉस्ट, नीचे वाली वर्किंग देखो, बट इज दिस 3 लाख इन फ्रंट ऑफ दिस 100, जनवरी की टोटल कॉस्ट 100 यूनिट्स बने और टोटल कॉस्ट 3 लाख, क्योंकि 100 यूनिट्स बने एक्टिविटी लेवल डिफरेंट था, इसकी वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी की, 400 यूनिट्स बने थे तो 4 लाख रुपया थी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन क्योंकि 100 यूनिट्स बने तो जनवरी की वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख 100 यूनिट्स की वजह से, तो व्हाट इज दिस 2 लाख, इट इज फिक्स कॉस्ट ऑफ जनवरी, तो क्या ये मंथली फिक्स कॉस्ट निकली, क्या ये मंथली फिक्स कॉस्ट निकली है सर, कंसंट्रेशन रखिएगा भी, और ये जो मैंने ऊपर डाटा लिखा था आपके सामने मंथली लिखा था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगर इसको मैं इस तरह लिखूं, अभी अदर थिंग अरेंज है, फर्स्ट में इस तरह लिखा कि 2017 में 100 यूनिट्स बने और 3 लाख खर्चा हुआ, 2018 में, 19 में और 2020 मैंने अब मंथली डेटा की बजाय से ईयरली एनुअल डेटा बना दिया, 17 में 100 यूनिट्स की कॉस्ट, 18 में, 19 में एंड 2020, वंस अगेन अगर हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लिया जाए 400 एंड 100, तो क्या डिफरेंस यही रहेगा, क्या हम इतना बोल सकते हैं 300,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुई, वही ब्रैकेट वो सॉरी सर्कल, जब 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बने, तो 3 लाख डिवाइड बाय 300, क्या अभी भी आंसर पर यूनिट ही होगा, वाई वाई वाई, हम यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, हम यूनिट से डिवाइड, देन जब ये 1000 आ गया तो वही ट्रिक है जो अभी कर लिया हमने, लेकिन अब जब 400 दिखा हमने तो इट इज एनुअल यूनिट्स, 400 यूनिट्स जब एक साल में बने, ऊपर डाटा के मैंने सालाना कर दिए, फॉलो करें प्लीज, तो बस 6 लाख रुपए आई एक साल में, और कोई वेरी स्पेसिफिक किस साल में, सपोज 2020 में अगर 400 यूनिट्स बने
6 लाख रुपया कॉस्ट इनकम। अब इस 400 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 4 लाख आ जाएगा, इतने का कंपाउंड को मिला तो 4 लाख को कैसे बोलेंगे, पूरा बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स इन द ईयर ऑफ 21। व्हाई इन द ईयर ऑफ 21? अब एनुअल डेट तो 6 लाख में से जब 4 लाख लेस होगा, बट इज 6 लाख इन दिस केस नाउ एनुअल टोटल कॉस्ट, व्हाट इज 4 लाख एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एंड देयरफॉर व्हाट इज दिस 2 लाख एनुअल ऑफ 2020। लेकिन क्या 2020 की जो फिक्स कॉस्ट है फिर वो हर साल उसका टोटल कॉन्स्टेंट रहेगा? इसी को अगर मैं 100 के से वर्किंग करूं तो अभी भी 2 लाख आंसर आएगा, लेकिन अब ये आंसर पर एनम क्यों आएगा? क्योंकि एनुअल डेट लेट्स सी मैं इसे एनुअल की बजाय आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं अभी एक और सिनेरियोस बनाता हूं फिर आप वो लिखिएगा, यहां से छोटी सी बात समझ लेना फिर और फिगर्स की तरफ चलेंगे डिफरेंट। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं फर्स्ट वीक सेकेंड वीक थर्ड वीक फोर्थ वीक, क्या मतलब हुआ? पहले हफ्ते में 100 यूनिट्स बने, दूसरे में 200 बने, चौथे में 400 बने। अब ये वीकली डाटा है। अब जो फिक्स कॉस्ट निकलेगी यहाँ सर वो पर एनम निकलेगी, पर मंथ निकलेगी, अब पर वीक निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल जरा 4 लाख को देखें कॉस्ट सर, 400 के सामने 6 लाख, व्हाट इज दिस 400 × 6 लाख? फोर्थ वीक में जब 400 यूनिट्स बने तो 6 लाख रुपया कॉस्ट इनकम, फोर्थ वीक में चौथे हफ्ते फोर्थ वीक 400 × 1000 फोर्थ वीक में वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख और देयरफॉर फोर्थ वीक की फिक्स कॉस्ट 2 लाख थी। तो क्या वीकली फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट है? यहां से आप दो वर्ड्स मेरे सुनने, आपका वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट होती है, बल्कि पर एक्टिविटी लेवल को भी पर ज्यादा डिफाइन कर दो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज सेम जो पहले थी, जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, लेकिन यूनिट्स की जगह लिखा होता आर्स पंद्रह पड़े डेटा पड़े रख क्या नहीं बनेगा? एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होती, इन्फ्लेशन के साथ चेंज होती है, विसरा ना करें, ये कल बातें हो चुकी हैं। एक्टिविटी लेवल के साथ फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, हाँ इन्फ्लेशन फैक्टर्स होंगे तो इंशाल्लाह भी चलते हैं। जी डी इसका मीनिंग बन जाएगा कि जनवरी के महीने में 100 आवर्स काम हुआ और खर्चा 3 लाख हुआ, अप्रैल के महीने में बोलेंगे 200 आवर्स काम हुआ 6 लाख खर्चा हो गया, 4 लाख खर्चा हो गया, 400 घंटे काम हुआ सर, ठीक है सर। अब इसमें भी हाइएस्ट पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट है, उसमें डिफरेंस हो ही रहेगा 3 लाख, लेकिन अब जो डिफरेंस रहेगा ये जो 300 होगा, नहीं ये 300, ये 300 क्या होगा, ये तो मैंने सर्कल दूसरा लगा, या अभी 400 आवर्स है और 100 आवर्स है उनका डिफरेंस लेना, तो अभी 100 आवर्स का जब सॉरी 300 आवर्स का जब इंक्रीज आया तो कॉस्ट में भी 3 लाख रुपीज का इंक्रीज आया। अब डाटा यूनिट्स की जगह आर्ली हो गए तो हमारे वर्ड्स क्या बदल गए, जब 300 आवर्स एक्स्ट्रा काम हुआ तो कॉस्ट में 3 लाख रुपीज का चेंज आया। इज दिस चेंज एंटायरली वेरिएबल? बिल्कुल वही चीज है, लेकिन अब जब 3 लाख/300 आवर्स करेंगे आप तो आंसर फिर पर यूनिट नहीं आएगा पर आवर। तो वेरिएबल कॉस्ट का जब मैं बोलूंगा ये सब कुछ आपको लिखकर लिखवाता हूँ, ये भी वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट होगी एंड एक्टिविटी लेवल कैन बी नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आवर्स, और फिक्स कॉस्ट इस वर्किंग में हमेशा पर पीरियड कैलकुलेट होगी।
एंड पीरियड कैन बी मंथली एनुअली वीकली क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हमें डेटा कैसे दिया होता है। हमें कैसे पता चलेगा, अब ये फाइनल आप बताएं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट का आंसर पर यूनिट आ रहा है या पर आ रहा है? डेटा देखे देखे ना, क्या नजर आता है डेटा बताइए, इस डेटा देखो क्या पता चलता है? एक्टिविटी क्योंकि आर्स में दी हुई, इसलिए हमारा आंसर वेरिएबल कॉस्ट पर आर कैलकुलेट होगा। पीरियड्स क्योंकि मंथली है, इसलिए फिक्स कॉस्ट हमारी मंथली कैलकुलेट होगी। अगर यही मंथ्स की बजाय क्वार्टर्स हो, क्वार्टर्स का मीनिंग पता, फर्स्ट क्वार्टर 3 मंथ, सेकंड क्वार्टर 3 मंथ, तो क्वार्टरली का डाटा होता तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्वार्टरली आएगी, एनुअल होगा तो एनुअली आएगी। ओके, तो ये जो मैंने आप एक्स्ट्रा बातें की हैं ये आपके पास रिमोट करें, यहाँ पे आप वेरिएबल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर एक्टिविटी का, और एक्टिविटी लेवल को थोड़ा ब्रैकेट में डिफाइन करें। एक्टिविटी लेवल मींस फॉर एग्जांपल पर यूनिट और पर आर, और फिर आर्स में भी वेरिएशन है इंशाल्लाह, जैसे जैसे और बड़े होंगे आप और पता चल जाएगा, मशीन आर्स हैं या लेबर के आर्स हैं वगैरह वगैरह। तो एक्टिविटी लेवल आप जब यहाँ से ऑनवर्ड्स वर्ड कभी यूज करेंगे तो दो चीज़ें कम से कम ध्यान में आनी चाहिए, कौन कौन सी? एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में भी हो सकता है और आर्स में भी हो सकता है। However, fixed cost is calculated per period and period means for example months, monthly periods भी हो सकते हैं, months में भी periods हो सकते हैं, weeks, quarters, years, ये शायद होगा 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे दोनों महीनों में, तो क्या उनका टोटल खर्चा सेम नहीं होगा सर? रेप साहब ऐसे ना करें, कंसंट्रेशन से सोचो, अगर 400 यूनिट्स बने तो टोटल खर्चा कितना होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी सेम होता है और फिक्स कॉस्ट का टोटल भी सेम होता है सर। जी सर, अब ये मैंने सारी फाइनल बात की है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल जैसे कि डिस्कस हो रही थी, इस टोटल फिक्स कॉस्ट के साथ 25 पर मंथ लिखा है अकॉर्डिंग टू द डाटा जो आपके पास लिखा हुआ, सॉरी पर मंथ लिखा है सर, ये बरासत जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ अपनी कोई नई साइंस लड़ाएंगे तो बेटा फिर ऐसे ही होगा। मैंने कहा एक्टिविटी लेवल से चेंज नहीं होता, लेकिन क्या मैं इस बात की सब्सटेंस भी हूँ? आपको कैसे पता चला कि आज बात आखिरी हो गई है और सिलेबस खत्म हो गई, गेम शुरू होने में सर? फाइनली बता दीजिए, हमें कैसे पता चलेगा पर मंथ है, पर वीक है, पर क्वार्टर है, कैसे पता चलेगा? और एक्टिविटी लेवल भी कहाँ से पता चलेगा? और फाइनली बेटा अगर यहाँ तक हमें फोन हमें पता चल जाए सब कुछ, इसका फिर क्या फायदा क्या हुआ? हमें दो चीजें पता चल गई कि हमारी इस बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ इज 2 लाख। क्या इन दो चीजों को जो हमने फाइनली फाइंड आउट किया 1000 पर यूनिट और 2 लाख पर मंथ, इनका आंसर कॉन्स्टेंट रहना?
1000 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का कांस्टेंट ही रहना है और फिक्स कॉस्ट का मंथली टोटल कांस्टेंट ही रहना है। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम। हम बाय डिफॉल्ट पर यूनिट बोलिए करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इस पर यूनिट को अकॉर्डिंगली कर दिए, ठीक है। तो इन दो चीजों में कॉन्स्टेंट रहना, इससे हम होता ही है, इससे किया जा सकता है एक कॉस्ट फंक्शन डेवलप किया जा सकता है और उससे फिर क्या यूज हो सकता है वो मैं समझाता हूं। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन से यहां मुराद ये कि एक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ है, उसकी मैं पहले एब्रीविएशन लिख रहा हूं फिर मैं उसे एक्सप्लेन भी करता हूं। पहले एक मिनट सोच लीजिए, हम यहां से अपनी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। y इज इक्वल टू, y मींस टोटल कॉस्ट, पहले सुन लेना मैं लिखता हूं सवाल। y किसको कह रहा है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू a प्लस, a स्टैंड्स फॉर अ फिक्स कॉस्ट, b स्टैंड्स फॉर है वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल और x स्टैंड्स फॉर है एक्टिविटी लेवल। ये एक्टिविटी लेवल किसे कहते हैं, तो y मींस क्या है लिखें, क्वेश्चन भी लिखें उसको डिफाइन करो। फिक्स कॉस्ट पर पीरियड, बेस वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल। तो जो हमने अभी वर्किंग किया हेलो मेथड से उसकी बेस पे अब हम अपना एक कॉस्ट फंक्शन डेवलप कर सकते हैं और उस कॉस्ट फंक्शन के डेवलप करने से हमें क्या फायदा होगा, पहले जरा फंक्शन डेवलप करना उसको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। एक मिनट बोर्ड पे देखिए, क्या आपने जो अभी वर्किंग की है आपको ए पता, बताएं कितना, क्या उस 2 लाख ने कॉन्स्टेंट ही रहना फिक्स कॉस्ट का टोटल। क्या हमें इस डेटा में बी का पता, बी कैसे कहते हैं एक्टिविटी ना वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल, तो क्या उस 1000 ने भी कॉन्स्टेंट रहना। क्या बेटा मैं किसी भी एक्स लेवल पे मींस एक्टिविटी लेवल पे वाई फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ गया, बनाए अगर आप अपने बिजनेस के हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे कुछ अर्सा गुजर गया उस डेटा की बेस पे ए और बी सेग्रीगेट कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट पर पीरियड एंड वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल, तो फिर हम किसी भी फ्यूचर की एक्टिविटी लेवल पे अपनी टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू डेटा अप्रैल का महीना एंड हो गया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि मई में अगर रेडी हम अभी देखना चाहते हैं कि मई में अगर लेट्स अज्यूम 900 यूनिट्स बने तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या एक्सपेक्टेड है, 900 यूनिट्स अगर सपोज बने मई में लेट्स अज्यूम, तो क्या मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ। तो अगर आपको एक्टिविटी लेवल बता दिया जाए मीन्स एक्स बता दिया जाए तो आप वाई मीन्स टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम देखिए, let's assume we are planning to produce 900 units
in my 2021. ये कैसे इस फॉर्मूला को यूज किया जा सकता है? टू लाइन में सेम ही रहना, ज्यादा नहीं यार, थाउजेंड में भी सेम ही रहना, और मल्टीप्लाइड बाय, अब एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाइड 900, तो फिर हम टोटल सही कर लेंगे यार। व्हाट इज 11 लाख टोटल कॉस्ट विच मीन सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो इस कॉस्ट फंक्शन को डेवलप करने से हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेड कॉस्ट की वर्किंग करने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। आई होप कि बात क्लियर होगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा कर ये डियर अपने फिर इस डेटा को छोड़ने कोई नया डेटा लगता है। एक फॉर एग्जांपल देखते हैं, सपोज 2013 में 500 यूनिट्स बना, और टोटल कॉस्ट इनकर हुई 7000। फोर्टीन में सपोज 700 यूनिट्स बने, 9000 कॉस्ट इनकर हुई। सपोज 17 में 600 यूनिट्स बने और कॉस्ट 8000 है। रिक्वायर्ड आप से रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट फंक्शन। जी सर, रिक्वायरमेंट समझ आई? क्या बनाना है? कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला बोलो। तो बेसिकली फिर इसमें क्या ढूंढना है? ए और बी ढूंढना। तो क्या ए और बी आपको पता है कैसे ढूंढते हैं? करेंट वाले तो क्या दो मिनट बस। इधर मन रहा है बच्चे इधर बच्चे कर रहे हैं, उधर खामोशी से अगर सेट डिस्ट्रीब्यूट करना, राम राम से ब्रेक करके डिस्ट्रीब्यूट। ये किसान आप भी सेट है आपके पास, वो पांच सात आठ दिन और डिस्ट्रीब्यूट करो कर दियो। ये ठीक है बेटा, टेन ठीक है।
इन पेजेस को बेटा साइड पर रखते ना, लेकिन फोकस ऑन द स्टोरी बैक में ना रखो, साइड पे नहीं, रजिस्टर के नीचे रखो। जी सर जी, व्हाट इज द स्टेप वन? एपी फाइंड आउट करने के लिए स्टेप वन, फाइलों से क्या करना, सबसे पहले क्या उठाना, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल आइडेंटिफाई कर देना। जी 500 यूनिट्स इज द लोएस्ट पॉइंट एंड समटाइम रैंडम हो सकता है, जरूरी नहीं पहला और आखिरी हो, रैंडमली ढूंढा जा सकता है समटाइम। नोट्स अगर नहीं मिले तो जरूरत नहीं है, जहां वहीं रोक लें सर जी, बाकी नहीं मिले बराबर सर, आप बताइए लगती है मुझसे कर। हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल खाली, हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट क्या है, 11,000, लोएस्ट लेवल की कॉस्ट क्या है, 7,000। नेक्स्ट स्टेप, अभी कुछ स्टेप थोड़ा याद करना, टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ लेवल्स, कॉस्ट में चेंजेस 4,000 एंड यूनिट्स में भी चेंज 400। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंस इन कॉस्ट, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स टू गेट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ओके टेन, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा? टेन, जब ये टेन आ गया तो देन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए सेलेक्टेड लेवल में से कोई एक लेवल उठा लें, हाईएस्ट उठाया जा सकता है, लोएस्ट भी, मेरा ख्याल है कि हाईएस्ट उठा लिया करें, आंसर दोनों में बैलेंस सेम आएगा, ये कोई ऐसे चढ़ता नहीं है, मेरे को रूल सा इस तरह से बनाने अपने, सपोज 900 यूनिट्स अगर हाईएस्ट उठा रहा, ओके तो पहले क्या लिखना होता है 900 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, ओके आगे क्या करना, अब 900 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ जाएगी, बैटरी का 10 पर यूनिट 9,000 इज वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस में इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। लेकिन मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पर क्या है, 2,000 पर क्या है, सही पर क्या है, पर वाई पर एनम, क्योंकि डेटा पर एनम, एनुअल डेटा है, 900 यूनिट्स किसी साल में बने हैं तो 11,000 कॉस्ट है, तो सालाना 11,000 का टोटल कॉस्ट है, तो पूरे साल की वेरिएबल कॉस्ट 9,000 माइनस करके पर एनम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। देन सर जी कॉस्ट फंक्शन मैंने कहा था फाइनल करें, वाई इज इक्वल टू 2,000 प्लस 10x, अब पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था अगर कहीं बीच में तो पेंडिंग वापस बाकी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, आप तक आए थे कोई नहीं भेजा, ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना सबको, फिजान नीचे सबके पास है, अब्दुल मान जरा से ना भेजा, क्या कर इधर फाटे से दे पीछे चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे पकड़ा दे, थोड़े से आगे दें उसके लिए, थोड़े से आगे थोड़े से बैठ जाएंगे, थोड़े से इससे बैठे, थोड़े से पीछे बैठे, थोड़े से और कम कर देते हैं, बुरा करना इसको आधा आधा करके पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिनके पास ये सेट आता रहे कहीं पेज नंबर फोर नहीं करना, खामोशी साइलेंस
कंप्लीट साइलेंस। अगर कहीं बड़ा एक्स्ट्रा पेजेस है तो पीछे देते जाएंगे लेकर। ऑनलाइन स्टोर से बड़ा ये चला बुक बस मेरा मतलब था कि भी एक दो दिनों में आपको बुक भी मिल जाएगी। मीन वाइल आपको पीडीएफ में शेयर करवा दूंगा ताकि एक दो दिन का आपका अगर गुजारा हो जाए। चला आपको प्रोवाइड करेंगे बुक की टेंशन नहीं। तो जो आउटस्टेशन के स्टूडेंट्स हैं चलो उनको कोरियर भी कराऊंगा। तो बस पहले तो चंद एक दिन साथ साथ रही ऐसे ना हर चीज में टेंशन क्रिएट कर दिया है। बुक कब आएगी बुक कब आएगी जब बुक आ जाएगी तो पढ़ेगा कौन। पेज नंबर 4 पैंट ढूंढेगी सर। तो अभी बड़ा एक सेकंड पेज पढ़ने से पहले जरा रजिस्टर फाइनल कर लें। ये जो फंक्शन बनाया कॉस्ट फंक्शन ये समझ आ गया सबको। अब देखिए हमने कॉस्ट फंक्शन बना के छोड़ दिए लेकिन इसको छोड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी एक्स मीन्स एक्टिविटी लेवल पता चल जाए तो आप वाई मीन्स टोटल कॉस्ट निकाल। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि एग्जामिनर ने हमसे मांगा या नहीं। अगर कॉस्ट फंक्शन मांगा तो बस इसका वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फिगर्स पुट करके लिखते हैं। फिर इसको अगर एग्जामिनर कहेगा तो फर्दर यूज करके अपनी टोटल कॉस्ट की प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है तो मीन वाइल मैं चाहूंगा कि जो हमने बातें फाइनल की हैं इनको कुछ स्टेप्स में जरा पढ़ के ये पेज नंबर 4 के स्टार्ट पर हाई लो एनालिसिस का वर्ड लिखता हूँ। तो अब इन 4-5-6 स्टेप्स को हम जरा पढ़ के अपने टिप्स पे लेंगे। यहाँ से ऑनवर्ड्स जब भी कभी वर्किंग करने की जरूरत पड़े तो ये कुछ स्टेप्स देखें 6 स्टेप्स हैं। तो इनको आपने जरा जहन में रखने की कोशिश करनी है। तो एक दफा मेरे साथ जरा पढ़ लें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल रैंडमली हो सकता है। तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि हमने पहला और आखिरी लेना। हमने कौन सा लेना? सेकेंड स्टेप उनका डिफरेंस लेना दोनों लेवल्स का अमाउंट का भी और एक्टिविटी लेवल का भी। जरा ब्रैकेट दोबारा पढ़ लें। इस ब्रैकेट पे कल काफी बहस हुई एंड में वही ब्रैकेट में लिखता हूँ। डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल एंड द लोएस्ट लेवल इज एंटायरली वेरिएबल। ये हमारी डिसाइडिंग बात थी सेकंड पॉइंट में प्लीज ब्रैकेट में लिखा हूँ। तो देयरफॉर द थर्ड पॉइंट में पेज नंबर 4 का स्टार्ट सर यही मान लो थर्ड बुलेट में लिखा हुआ कैलकुलेट द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैसे डिफरेंस इन द कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल टू गेट द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अगर आवर्स होंगे तो पर आवर वेरिएबल कॉस्ट। देन क्या करें मल्टीप्लाई द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विद द एनी सिलेक्टेड लेवल आइदर हाई और लो टू गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड देन नेक्स्ट स्टेप टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेटेड इन द लास्ट स्टेप इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड फाइनली द फंक्शन कॉस्ट फंक्शन इज y is equal to a plus bx। सिर्फ 2 मिनट में हमने नेक्स्ट डेटा उसकी बेस पे a और b फाइंड आउट कर लिया। स्पीड अप हो गया रजिस्टर करो। नेक्स्ट एक छोटी सी और एग्जांपल 2 मिनट ज्यादा ना लगे। ये सर जनवरी से लेकर जून तक का डेटा कॉस्ट फंक्शन डिराइव करना हाईएस्ट लेवल बता 8200 टोटल कॉस्ट 48700 लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 5800 टोटल कॉस्ट 40000। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप टेक द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। नेक्स्ट स्टेप टेक द डिफरेंस कैलकुलेटर सर अलाउड है सर 8400 रुपीस यूनिट 2400 नीचे लिखा हुआ है आंसर नजर आ रहा है मैं नहीं लिखूंगा। टेक द डिफरेंस के बाद थर्ड स्टेप नहीं सही वर्ड्स बोले पर वर्ड्स पढ़ाने की अब क्या जरूरत थी आपको? ये सब कुछ बोलने के बाद ये अंग्रेजी पढ़ाने की वजह क्या था?
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालो, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल टू गेट द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इन दिस केस 3.5। इसने तकरीबन आगे जाकर बार बार आना है शायद बहुत से टॉपिक्स में, तो आपको फिर उस वक्त सही याद आना चाहिए, तो करने की सूरत एक कोशिश करो। देन नेक्स्ट पर यूनिट अगर आगे करें लास्ट एफर्ट पर, लास्ट एफर्ट पर ये ठीक है, फिगर्स नहीं है, क्वांटिटी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 28,700 एंड द फाइनली डिफरेंस इज टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 20,000 पर फाइनली कंफ्यूजन तो नहीं आएगी क्यों? ओके सर जी, कॉस्ट फंक्शन ड्राइव करें वाई इज इक्वल टू लिखो, ए कितना निकला 20,000, बी कितना फाइंड आउट हुआ 3.5x, इसके एक बी रिक्वायरमेंट भी सर नजर आ रही है, फाइंड आउट करें तो टोटल कॉस्ट पता है 7,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की, तो 20,000 बेटा कॉन्स्टेंट रहा, 3.5 भी कॉन्स्टेंट है, एक्स बता दिया उसने 7,000, तो 44,500। क्या हो गया सर जी, क्या हो गया सर, सर 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 सर्दी में बात है, ठंड शेयर हो रही है ये वर्कर सर, अभी आप ही कह रहे थे कुछ इन्फ्लेशन के फैक्टर्स भी होते हैं, जो अभी और चीजें भी आएंगी, तो इस तरह कंफ्यूज अपने आप को अगर करना चाहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है वर्कर सर, आहिस्ता आहिस्ता कर लिया पेपर। हमने हेडिंग बनाई थी मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन, पता सबको उसका बेटा एक मेथड हमने पढ़ लिया दैट इज आइलो मेथड, लेकिन उसका एक और मेथड भी है जरा पेज के सेंटर में ढूंढे, एक लीनियर रिग्रेशन मेथड भी है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, किस चीज का ये मेथड है, एक्सपेक्टेड
सेग्रीगेशन के लिए सेकंड मेथड इज लीनियर रिग्रेशन, ये बड़ा स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसमें भी कॉस्ट फंक्शन बनाया जाता है, कॉस्ट फंक्शन मीन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, लेकिन इसमें एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जो आपने बस याद करना है, ठीक है, ए और बी, ए क्या है वैसे और बी क्या है, ये इसके लिए बड़ा, ये आपने बात कर मोहम्मद अब्दुल रहमान की, मेरा ख्याल बेहतर ये जहन में ना आए क्योंकि पीएम भी सही जहन में आना नहीं है, और ने कहा पीएम एफ सी याद आ रहा है, बेहतर है वो ना ही है क्योंकि ये ना हो कि वो गलत याद आ जाए और ये भी जाए, तो नए सिरे से हाजिर नहीं पड़ा ये सर। यहाँ पे बी और ए का एक फॉर्मूला ढूंढेंगे, तो देयर आर बेसिकली टू टेक्निक्स, आई मीन योर सिलेबस टू सेग्रीगेट, नंबर वन फाइलो मेथड एंड नंबर टू लीनियर रिग्रेशन। अगर एग्जामिनर बताए मेथड कौन सा तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे, और एग्जामिनर अगर नहीं बताएगा तो बाय डिफॉल्ट फाइलो यूज होगा, लेकिन अगर वो कहे तो हमें लीनियर रिग्रेशन की ये फॉर्मूला जरा याद करना है, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज ही याद हो जाए, लेकिन पहले फॉर्मूला में सब पढ़ लेगा। बी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लेगा, आगे लिखा हुआ एन, फिर वो सम ऑफ या समीशन जिस तरह पढ़ते हैं एक्स वाई, मतलब इन एब्रीविएशंस को जरा ट्रांसलेट करना फाइनल, ये सारी वही है सवाई कैन पे, एक्स वाई मल्टीप्लाई और एक्स वाई सम करके ब्रैकेट से बनी हुई है, माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ वाई, देन वे डिवाइड बाय एन सम एक्स स्क्वायर का सम, बेसिकली एक्स स्क्वायर का सम फिर मल्टीप्लाई होना एन से, और माइनस x का सम फिर होल स्क्वायर, और नीचे फिर a का एक फॉर्मूला दिया हुआ सम ऑफ y माइनस b फिर मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि a के फॉर्मूला में b ने भी यूज होना है, तो हमेशा सबसे पहले आप b सॉल्व करते हैं और डिवाइड में फिर n है। अब आइए जरा ये एब्रीविएशन इनके मीनिंग देखते हैं, इसमें n लिखा हुआ है नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा, इसको समझने के लिए पीछे पेपर है, ये जब भी हमने वर्किंग एक फाइलो से की है उसी को जरा बेस बना लें, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा से मुराद क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये सिक्स हो जाएगा हम गिन लिया, जब भी वर्किंग हमने पहले की थी जिसकी बेस पे मैं कल से डिस्कशन कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हम गिन लिया करेंगे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा, पेयर्स मींस एक्टिविटी लेवल ऑफ बॉक्स का डेटा कितने लेवल्स पे दिया, तो इस केस में सिक्स हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जितने हो, वापिस आ जाए वाई का मतलब वही है क्या टोटल कॉस्ट, एक्स का मतलब एक्टिविटी लेवल मीन्स यूनिट्स में आवर्स में, बी वेरिएबल कॉस्ट ही है, ए फिक्स कॉस्ट है, करना बेटा सिंपली इस तरह से होता है, हम इस तरह करते हैं पहले अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हैं रजिस्टर को लगा रादर देन कि नीचे वाला डाटा यूज करें, जो हमने कल डाटा यूज करके फाइलो समझा था उसी की बेस पे जरा हम इस लीनियर रिग्रेशन को जरा अप्लाई करें, उसके बाद फिर हम प्रोसेस करते हैं, जो कल मीन से जिसके और ही हमने फाइनल किए कोई 100 200 300 400 यूनिट्स वाला, तो एक सेकंड जरा बोर्ड पर देखें क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने 100 200 300 और 400 आपको बताया था ये एक्टिविटी लेवल था डिफरेंट पीरियड्स में, तो इस कॉलम का नाम एक्स होगा, देन जो आपको मैंने आगे क्या बताया था टोटल कॉस्ट हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल इज वाई, तो एग्जामिनर आपको एक्स और वाई के कॉलम्स बताएगा और उसकी बेस पे आपकी सारी वर्किंग हो जाएगी, तो वाई क्या जीन किया था हमने नहीं मतलब फिगर सर 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, अब ये जो फार्मूलाज है जो हमने पेज नंबर 5 पे फार्मूला पढ़े दरमियान में, इनको अप्लाई करने के लिए अगर एक्स और वाई के साथ साथ आप बस दो कॉलम और बना लिया करें एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, तो इंशाल्लाह ये सारे फार्मूला दोनों जो है बी और ए का ये अप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई पर्सन में से ढूंढे एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स स्क्वायर हो रहा है, अगर ये चार चीजें आ जाएं और इन पे टोटल्स आ जाएं तो ये सारी इक्वेशन जो दो हैं दो फॉर्मूले हैं ये सॉल्व हो जाएंगे, तो रजिस्टर खोलें और सॉल्व करें।
बिकॉज आप बड़ी बड़ी से आएंगे, 3 लाख × 100 स्क्वेयर होके वैसे परेशान नहीं होगा, जीरो वगैरह सही नहीं करते। जी मैं बड़ा इसका फिगर्स ना बताया हाफिज़ साहब, वो बहुत लंबी लंबी फिगर्स हो जाएंगे, आप लोग सॉल्व कर लें, मैं फिगर्स लिखता हूँ उससे मैच कर देंगे, टोटल करें टोटल तक पहुँचे तो वो भी देख लेते हैं बाद में, पहले बड़ा वाला देख लेते, वो थाउजेंड्स में है ये पूरा। मैंने कहा पहले मैं इसमें चाह ये रहा हूँ कि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि उसमें और इसमें फर्क आएगा या डिफरेंस होगा, सही कहते सही है, 330 मिलियन ही बनता है, 3 मिलियन बनता ठीक। एक्स स्क्वायर का तो पता नहीं, प्लीज 100 × 100 या स्क्वायर की बल्कि ऑप्शन आपके पास, जी ठीक है बेटा बिकॉज आपके ठीक है, देखिए कि फिर टोटल ठीक है, जी वकार साहब ने अच्छा असल बात की है सर, वकार साहब ने हमारे नॉलेज में इजाफा किया है कि कैलकुलेटर से डायरेक्टली हो जाता है बेटा जाकला, लेकिन एग्जामिनर को वर्किंग शो करनी है, अब इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हम सीधा करें, एक वर्किंग लिख के प्लीज एग्जामिनर को प्रेजेंट करनी है, वकार साहब जानना प्लग प्लीज छुड़ाए, फार्मूला याद करना आप ये फॉर्मूले काइंडली अप्लाई करके याद करने के। जी सर लास्ट लाइन में से डी की फिगर्स लिख पाए, वाई बी पहले और ए बाद में, मैं बी की फिगर यूज होनी है, जी डियर कोई करवाएगा सर, मैं नहीं करवाता, फॉर्मूला क्या सर, एन कितना है, फोर का मतलब कैसे, पेयर्स ऑफ डाटा 1 2 3 4 चार लेवल्स का डाटा लिया, फोर मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स वाई, कहीं अवेलेबल है हमारे पास, ये थर्ड कॉलम है सर, सम ऑफ एक्स वाई 500 मिलियन, माइनस
डेफिनेटली ब्रैकेट्स वगैरह लगाने से माइनस सम ऑफ एक्स कितना है 1000 सम ऑफ एक्स टोटल जो है सम ऑफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ वाई 18 लाख डिवाइडेड बाय 4 इनटू एन आंसर टेक करें एक मिनट सम ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ है बल्कि सॉरी मैं गलत शब्द बोला एक्स स्क्वायर का सम कहाँ है 3 लाख एक्स स्क्वायर का सम और एक मिनट बोर्ड पे देखें अब ये चीज़ जो नेक्स्ट लिखनी है सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लेना है तो 1000 का होल स्क्वायर सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ओके ये सॉल्व करें कर दे कर दिया आंसर फाइनल 1000 व्हाट इज 1000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों लगा रहे हैं पता है सर ये पता है आपको यूनिट्स का डाटा सर ये यूनिट्स का डाटा सर पर आर आ जाएगा पर आर कब आएगा जी एन सर जी मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा 1 2 3 4 लेवल्स का डाटा दिया मदर साहब ओके जी 1000 प्लीज काइंडली बता दीजिएगा थोड़ी थोड़ी चीजें सीरियस नहीं है कर लूंगा हो जाएगा कैलकुलेटर पे हो गया होगा इस चक्कर में तो नहीं एक ही वर्किंग करवाई थी सम ऑफ वाई 18 लाख माइनस बी कितना 1000 into sum of x भी 1000 ही है divided by 4 n number of pairs is equal to what is 2 lakh फिक्स कॉस्ट पर लगवाए बाय मंथली डेटा था जो हमने यूज किया ठीक है तो फिक्स कॉस्ट पर पीरियड है और वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल है डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली फिर पर डिसाइड करें क्या इन फिगर्स से भी कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा कॉस्ट फंक्शन बड़ा बुरी है असल में उसको बनाने के दो मेथड कौन कौन से तो इसको भी फाइनल करने का बनाया जा 200,000 प्लस 1000 एक्स बताइए 300,000 कैलकुलेटर पे आया सर ये 300,000 300,000 ठीक है बाकी अगर साथ साथ चलें ये ऐसे पता चला क्योंकि मैं कल से लिखवा रहा हूँ साहब ये कल से पता चला कि मैं जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का डाटा दे रहा हूँ कल से ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस वक्त उनके पास ये सामने फॉर्मूला नहीं था तो जो आपने फिगर्स बड़ा नोट किए हैं इस फॉर्मूले के एंगल से जरा देख के फाइनल करना एक आप लोग भी जरा रिवाइज करना क्योंकि यूनिट्स का डाटा था कल से सर भाई साहब कल से डाटा यूनिट्स का है और कल से यह डाटा मंथ का है जो मैंने कल वाले आपके रजिस्टर से उठाया है आप लोग साथ साथ नहीं चलते फिर बाद में ऐसे ही परेशान रहते हैं मैंने आपसे कहा था अपने रजिस्टर में कल वाला डाटा लिखवा जी डेफिनेटली और ऑफिस अमृत साहब अगर आप लिखना चाहें तो यकीन तो कैंडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के सामने फॉर्मूला नहीं था प्लीज मैंने फिगर्स लिखी हैं उसको मतलब फॉर्मूले के साथ फाइनल करना एक दफा फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ना जी जिन्होंने कर लिया था पेज नंबर 7 पे अगर बाकी तो भी हमने कर लिया थोड़ा थोड़ा
पेज नंबर 7 पे जो डाटा है इसकी बेस पे जरा लीनियर रिग्रेशन मेथड अप्लाई करना और जहां नीचे आंसर लिखा उसके ऊपर रजिस्टर रखना। सिर्फ अपने सामने क्वेश्चन कौन सा पेज करना ये ऑनलाइन स्टोर से बड़ा कंप्लीट कर ली वर्किंग वाली कंप्लीट है। मैं आपके सामने क्वेश्चन करना चाह रहा बेटा बाजे खत्म करें प्लीज। ये पेज नंबर 7 मीन सेकंड लास्ट पेज का डाटा है आपके सामने द रिकॉर्ड्स ऑफ मेक सेकंड पढ़ दो अगर तो नई चीज है तो मेरे साथ देखना द रिकॉर्ड्स ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक सेकंड रुक के जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स देन मिला टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स होते हैं ओवरहेड्स कौन से रेंट डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस क्या उसमें कुछ वेरिएबल भी होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फ्यूल चार्जेस अगर कोई टेम्पररी एम्प्लॉइज की सैलरीज हो रिपेयर मेंटेनेंस तो आवर्स और ओवरहेड्स का टोटल दिया हुआ तो इसमें फिक्स और वेरिएबल शायद आ रहा हो ठीक है फॉर द फर्स्ट सिक्स मंथ्स मंथली डेटा है लेकिन अब आवर्स में एक्टिविटी दी गई है टोटल ओवरहेड्स एज इट इज है थाउजेंड्स में डेटा भी बेटा अगर हो तो थाउजेंड्स में फिर यूज करना चाहिए आइडिया है थाउजेंड्स ताकि टाइम सेव हो सके लेकिन मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन डिस्टिंग्विशिंग और नीचे लिखा यूजिंग लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड तो लीनियर रिग्रेशन मेथड लीस्ट स्क्वेयर मेथड भी इसके लिए वर्ड है ये इसके साथ ही नोट भी करना था इसके इंटरचेंजेबली वर्ड्स है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा था हमने उसी को एक और एग्जांपल से लिखा हुआ लीस्ट स्क्वेयर मेथड तो उसी का एक दूसरा नाम ही है अगर ना लिखा हो मेथड तो फिर बाय डिफॉल्ट फाइलो से ही करें लेकिन अगर लिखा हो तो अकॉर्डिंगली फार्मूला अप्लाई करें विदाउट लुकिंग एट आंसर प्लीज आंसर पे कुछ रख लें फार्मूला याद करने की कोशिश करें जहन में लाएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के सामने मैं ले आऊंगा अभी आप लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करें कौन से चार कॉलम बन जाए तो बात खत्म हो जाएगी एक्स का वाई का एक्स वाई और एक्स के एक्स है हमारे पास डेटा में एक्स क्या है इस वक्त लेबर आवर्स और वाई क्या है टोटल फैक्ट्री वर्क्स हिम्मत करें बस आज आसान आसान बातें खत्म करते हैं कुछ अच्छी चीज पढ़ो कल से और साहब ने कैलकुलेटर पे एक फॉर्मूला सॉल्व करना शुरू कर दिया है अब साहब बोला ढूंढना की कोशिश करें वर्किंग कर कौन है इतना खुश नसीब जी अब्दुल मान साहब जजाक अल्लाह बेटा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शेयर हो जाएगा जी जो हजरात ये लाइव स्ट्रीमिंग में बस लाइन में नीचे बैठे हुए बेटा बस करें काफी नींद होगी मेरा दोबारा ट्राई करिएगा भाई उठा नहीं भाई जान ब्लू शर्ट है अरे मतलब भाई चार कॉलम बना रहे आपको क्या जिसका आप तकरीबन शायरी तक पहुंचा वर्किंग कर मेरा भाई जी बेटा मैं अभी कैलकुलेट करके टाइम बताता हूँ कि किस वक्त तक बुक मिल जाएगी मैं भी सोचता हूँ बैठा
जी अब्दुल्ला, आपको किसने कहा कि हर एक्टिविटी लेवल पे सेम आएगा? ये सर जी, जिस तरह के एटीट्यूड है ना, इसका बेटा कोई सोल्यूशन नहीं है। अब अपनी तरफ से अपनी अजम्पशंस की बेस पर अगर करेंगे तो उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। ये आपको कब कहा है मैंने? वही एटीट्यूड है, जो हो रहा है वो नहीं करना, जो नहीं करना वो करना। जब सारी चीजें हो जाएंगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। जो हो रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और जो करना है कभी उसमें आप इंटरेस्टेड है। ये विकास ठाकुर साहब, जो फार्मूला था उसको भी एक दफा आपने अप्लाई कर लिया हुआ, तो आंसर में इसी तरह ट्राई करें, बाकी फिर फार्मूले की जब जरूरत पड़ेगी मैं सामने कर देता हूँ। एक दफा आपने फिगर्स लिखी हुई वहां से ट्राई करें, ढूंढे वहां से क्या फार्मूला बना हुआ था, फिगर्स अवेलेबल है सारे। जो फिगर्स उठाई थी उन्हीं को देखें, वो क्या उठाएंगे। सर जी, ये बाइट शेड में जो साहब बैठा है इधर, जी जी वैसे मेरे दोस्त हैं आप? जी जी सर, मैं यकीन मान भाई तंग कर ना सर, मैंने कहा इधर नहीं, भाई तंग कर आस्ते आस्ते मुझे भी करवा। आंसर अगर कभी पॉइंट शॉर्ट आए तो वो फाइनल होगी नहीं बातें, तो कहां तक जाना बस बात खत्म कीजिएगा। एक कॉलम बनाया नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या कर कॉलम शुरू नहीं किया, सवाल कर रहा। नहीं बेटा, बी का आंसर गलत है, 143 समथिंग होगा। ये 143 और तकरीबन 6892, ठीक है।
जी मैंने आपके सामने मेरा टेबल किया है, ये टेबल पे टोटल्स मैच है मेरे से, पहले तो कर लीजिए, देखते हैं किसी की कोई यहाँ मिस्टेक ना। अगर किसी का आंसर 143 B और 6892 समथिंग नहीं है ए का, तो पहले टेबल जरा वैसे मैच करना, ये फिगर्स ठीक है वैसे मेरी, देखेंगे टेबल में यहाँ टाइप है। तो मैं बी फिगर्स प्लेस करूंगा अपनी मैच के लिए, मैं सर एन कितना है 6 पेयर ऑफ डेटा मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स वाई 8611 000 माइनस सम ऑफ एक्स 450 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ वाई 105750 डिवाइडेड बाय एन 6 एक्स स्क्वायर का सम 38500 माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 143.11 पर आर क्यों आरली एक्टिविटी लेवल पर लेबर आर, बल्कि थोड़ी वेरी स्पेसिफिक पर डायरेक्ट लेबर आर। ओके ये नोट कीजिएगा सर पर। सॉरी इधर दूर हो ठीक है समझ रहे जी सर। ए सम ऑफ वाई 10570 माइनस 143.11। अब डेफिनेटली अगर कोई राउंड ऑफ करेगा ना तो 10 पे अगर राउंड ऑफ होगा, वैसे तो मेरे ख्याल 11 ही बनता है, लेकिन अगर कोई राउंडिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा फिर ए में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है राउंडिंग ऑफ की वजह से ना परेशान हो। मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स मीन 450 एंड डिवाइड बाय, अब 6 समझ आ गया, 6 के नंबर ऑफ एक्टिविटी लेवल्स नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा फाइनली आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 6892 पर बताएं पर मंथ। उस्मान साहब वैसे डेट बड़ा डिसाइड किया जैसे हमेशा डिसाइड करता हूँ, एक्स एक्टिविटी लेवल को कहते हैं और एक्टिविटी लेवल आर्ग्स है और वाई टोटल कॉस्ट को कहते हैं, तो वाई टोटल कॉस्ट टोटल फैक्ट्री हो रही है कौन सा, फिर वही चीज़ें हो रही हैं जो हमेशा से जा रही हैं, मैंने वैसे ही डिसाइड किया सर जैसे मैं पूरी क्लास में बोलता रहा हूँ कौन सा, फिर वन सेकेंड वही हो रहा है जो हमेशा से पिछले कई अर्से कई काफ़ी अर्से से हो रहा है। तो बस बस का मतलब मेरी तरह से भी आज बस बस ही है, ठीक है मिस्टर उस्मान अपना मोबाइल नंबर दे दें जरा यार, अपना मोबाइल नंबर कैंडी दे दें ताकि मैं आपसे कॉल करके आपके डैडी का मोबाइल नंबर ले लूँ। उस्मान आज हो ही जाएगा, बहुत हो गया, ये नंबर नोट कर बच्चे के लिए 0302। ये फाइनली बड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं है आज बेटा, आपने छोटी सी एक फेवर करनी है, एक तो एक लास्ट पेज पे क्वेश्चन है देखा थोड़ा, एक लास्ट पेज पे क्वेश्चन है और सेकेंडली आपने जरा फर्स्ट पेज से शुरू करें, उठते उठते जरा बैठने दो मिनट, फर्स्ट पेज पे आएंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का एक स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी उसका एक फॉर्मेट फाइनली बना हुआ है और नीचे फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का एक फॉर्मेट बना हुआ है, तो एक नजर इसको भी रिवाइज होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे फिर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की वही डिस्कशन है जो मैंने कल की और उसके बाद वही हाई लो वगैरह है सारा, अगर कोई घंटा निकाल के ये चीजें फाइनल की जा सके रिवाइज की जा सके तो इंशाल्लाह कल अब नया टॉपिक बड़ा स्टार्ट होना है। सैटरडे अक्सर आपका ख्याल होता है कि ऑफ है, बल्कि सवाल आ गया कल क्लास होगी, सैटरडे आपका ख्याल है कि ऑफ है हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, तो इंशाल्लाह सैटरडे ऑन है और फिर संडे का क्या करना है वो कल डिसाइड करेंगे, डेफिनेटली छुट्टी करनी है उसमें क्या पढ़ना है वो कल डिसाइड ही होगा, तो प्लीज फजूल में कोई छुट्टी ना हो, कल से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है
वो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये तो कुछ पुरानी बहसें हैं, बस रिपीट में नहीं। अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात जी। हो जाएगा सर, ये आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, देखते रहें। ये हो गया, बिल्कुल आप लोगों का पीडीएफ मेरा सर व्हाट्सएप हो गया, चेक कर लेते ऑनलाइन स्टोर से।